वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग बेस्ड रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अरुण वॉक्स टू नॉर्थ 30 मीटर्स, मूव्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर्स, 40 मीटर्स, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर्स, ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर्स। नाउ हाउ फार अरुण इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट दिया हुआ है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नॉर्थ कर दिया, यहाँ पे साउथ कर दिया, यहाँ पे ईस्ट कर दिया, यहाँ पे वेस्ट कर दिया। इस तरह से हमने डायरेक्शन बना दिया। अब यहाँ पे समझना क्या है, अरुण जो है यहाँ से शुरू करता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अरुण जो है 30 मीटर जाता है नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो ऐसे 30 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में चला गया। अब वहाँ से क्या किया, उसने मूव्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब जब यहाँ जाएगा तो लेफ्ट इधर होगा, तो उसका लेफ्ट डायरेक्शन जब इधर होगा तो वो 40 मीटर्स की रेंज कवर करेगा, और फिर दोबारा जब इधर की मूव करेगा फिर वो लेफ्ट किधर मुड़ेगा, 30 मीटर्स, फिर ये इधर आ जाएगा, 30 मीटर की रेंज में इधर आ जाएगा घूम के। अब ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट, जब वो इधर आएगा फिर वो क्या करेगा, फाइनली ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स, जब वो इधर ना जाएगा, इधर जाएगा तो वापस फिर इधर ही आएगा। कितने मीटर से, 50 मीटर। अब यहाँ पे 40 मीटर की दूरी ये हो गई, और 10 मीटर की दूरी और तय करेगा, यहाँ पे आ गया। कुल मिलाकर आपकी अरुण की कंडीशन जो है, पहले यहाँ से शुरू करता ए से, फिर ए से बी, बी से सी, और सी से डी, और डी से फिर जान, डी से फिर वो कहाँ आएगा, ई, यहाँ पे डी से आएगा, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं जी, डी से जी तक आया। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है कि ऑप्शन में क्या होगा। अब ये पूछ रहा है कि सबसे पहले वो ए शुरू से में पहले 40 मीटर, ये शुरू में 30 मीटर्स की दूरी तय करता है नॉर्थ डायरेक्शन में। कंडीशन को ध्यान से देखना है, 30 मीटर्स पैदल चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर उसके बाद चलता है लेफ्ट घूम जाता है, यानी कि वहाँ पे वो 30 मीटर दूरी तय करने के बाद उस पोजीशन से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है। मूव कितना करता है, 40 मीटर, ये चीज़ हो गया 40 मीटर। फिर यहाँ पे सी पॉइंट पे जब पहुँचता है तो वहाँ से फिर दोबारा टर्न लेता है लेफ्ट डायरेक्शन में, फिर वो 30 मीटर्स की दूरी फिर तय करता है। अब वो यहाँ डी पॉइंट पे पहुँच जाता है, डी पॉइंट पे पहुँचने के बाद ही फाइनली टर्न्स, फिर वो टर्न लेता है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो जब लेफ्ट डायरेक्शन में करेगा तो वो इधर आ जाएगा, तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 50 मीटर, 50 मीटर्स की दूरी तय कर रहा है। अब नाउ हाउ फार अरुण इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से चला था और यह डी से जी तक आया। अब यहाँ से देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर की दूरी हो रही है, इसमें से 50 मीटर की दूरी है, 40 मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी है। ऑप्शन में आपका यहाँ पे आंसर जो सही है वो डी है, क्योंकि वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल उसका जो पॉइंट है कहाँ तक गया, बस उस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी पूछ रहा है। तो आपका जो है 10 मीटर की दूरी होगी, क्योंकि वो जी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर है। बस इतना सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था। अब इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अविनाश ट्रेवल टुवर्ड्स साउथ फॉर 1 किलोमीटर। यहाँ पे अब इसके लिए अलग से हमने बना दिए, यहाँ से इसको हमने नॉर्थ कर दिया, इसको साउथ कर दिया, इसको ईस्ट कर दिया, इसको हमने वेस्ट कर दिया। अब समझना ये है कि अविनाश जो है ट्रेवल करता है साउथ फॉर 1 किलोमीटर, साउथ डायरेक्शन में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, फिर वहाँ से घूम जाता है राइट डायरेक्शन। अब मान के चलिए ऐसे है तो वो राइट डायरेक्शन घूमेगा, तो अगर इस पोजीशन में तो उसका राइट इधर पड़ेगा, लेफ्ट इधर पड़ेगा, तो राइट डायरेक्शन में ही टर्न राइट लेता है और फिर टर्न ट्रेवल करता है 1 किलोमीटर, तो इसके बाद 1 किलोमीटर की दूरी और तय करता है, फिर ही अगेन टर्न राइट,
अब वो इस पोजीशन में, तो राइट किधर है, तो लेफ्ट इधर हुआ, तो राइट इधर हो जाएगा। तो राइट जब इधर लेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर की दूरी। 1 किलोमीटर की दूरी तो ये हो गई, 2 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक तो हो गई, 1 किलोमीटर और मान लेते हैं, ये 1 किलोमीटर और हो गया, टोटल ये 2 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे आया। तो यानी कि यहाँ से वो चला ए बी फिर सी फिर यहाँ पे डी पे आया, डी पे आया 2 किलोमीटर दूरी। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन देखो बिल्कुल वही पहले की तरह ही मिलता जुलता है, बस यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की कंडीशन पूछ रहा है कि जहाँ पे पहले था वो फाइनल जो पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है। तो देखिए ये चीज़ आपको, ये चीज़ ये सीधा ये जा रहा है इस तरीके से, ये सीधा जा रहा है इस तरीके से। अब ए से डी तक की जो दूरी, ए से डी तक का जो ये जो डायरेक्शन है, यानी कि वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। अब इसको समझना ये है कि इसमें ना तो साउथ है ना ही वेस्ट है, अब यानी कि वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट आपका दिया हुआ है इसलिए नॉर्थ और वेस्ट में आएगा। तो अगर दोनों के बीच में है तो इसका मतलब नॉर्थ और वेस्ट आएगा, ठीक है, ये है इसकी कंडीशन थी। तो अगर आप इसे कंडीशन को देख के समझते हैं तो आपका ऑप्शन बड़ी आसानी से मतलब इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं डायरेक्शन वाले सवाल तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।